हाय गाइस, हर्षित दादी की स्वीट में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नेक्सन ईवीएमएक्स डार्क एडिशन के बारे में। सबसे पहले इसके हेडलाइट की बारी आ जाती है, तो इसमें डीआरएल मिल जाते हैं, हेलोजन एंड प्रोजेक्टर दोनों सिमिलर सेटअप मिल जाता है, हाई बीम लो बीम अलग से, फोक लैंप्स गाड़ी में देखने मिल जाते हैं। बाकी पूरी गाड़ी में ब्लू कलर का एक्सेंट मिल जाता है क्योंकि ये ईवी है। बाकी वैसे तो पूरी गाड़ी ब्लैक कलर मिलती है, लेकिन जो उसका अलॉय व्हील डार्क ग्रे कलर मिलते हैं, जिसका साइज है 215/60R16। बाकी गाड़ी में ऐसे कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ लाइट्स के आपको बीच में एक वाइट कलर की स्ट्रैप मिलती थी, लेकिन अभी आपके पियानो ब्लैक फिश कर दी है। यहाँ पे फेंडर पे हैशटैग डार्क एडिशन की बैजिंग, और जैसे गाड़ी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी है, ऐसे ही ऊपर की साइड कॉम्पैक्ट सनरूफ मिल जाती है रूफ रेल्स एंड शार्क फिन एंटीना के साथ। अब बारी आती है इसके डायमेंशन की, तो इसमें लेंथ मिल जाती है 393mm की, विड्थ गाड़ी की मिलती है 1811 एंड जो इसकी हाइट गाड़ी की मिलती है वो 1616mm की। अब जो फाइनली इसका व्हील बेस आता है वो 2498mm का, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी मिलता है 190mm का, बूट स्पेस गाड़ी में 350 लीटर का देखने को मिल जाता है। बाकी जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो 40 kW की है, एंड जो ये पावर निकालती है मैक्स वो 140 bhp विद 250 Nm टॉर्क। बाकी इसका फुल कम्प्लीटली चार्ज करने के बाद जो इसकी रेंज मिलती है 453 किलोमीटर की, और अगर आपको गाड़ी फुल चार्ज करनी है तो उसके लिए 15 hours मैक्स लगेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिल जाता है एंड लेवर मिलता है राइट लेफ्ट करने का, कोई ऐसे गियर लेवर नहीं मिलता। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एसी के नीचे साइड आपको ब्लू कलर का एक्सेंट मिल जाता है। बाकी टच स्क्रीन मिल जाती है 10.25 inches की। इस गाड़ी की जो प्राइसिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 16 lakhs to 19 lakhs तक मिलेगी। बाकी इसी के साथ ये पूरी वीडियो कम्प्लीट होती है। आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।